अगर आपका मोबाइल खो गया है या कभी खो जाता है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी सुविधा, एक ऐसा पोर्टल लॉन्च कर दिया है जैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही उस मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। साइट पे जाकर रजिस्टर करके आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैक करने में आपको कुछ नहीं करना है, जाके बस उस पोर्टल पे आपको रजिस्टर कर देना, बाकी काम खुद सरकार करेगी, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। कौन सा पोर्टल है और उस पर कैसे रजिस्टर करना है, आपका मोबाइल खो जाता है, तो पूरा इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम टेक्निकल से रिलेटेड कोई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वीडियो देख लीजिए। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में एक और आपको बात बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो चलिए वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, मेरा नाम है अमर मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर टिप्स यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, उस पोर्टल के बारे में बात करने से पहले आपको थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं, उस पोर्टल पे क्या क्या कर सकते हैं। उस पोर्टल पे अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आप उस पर जाके ब्लॉक कर सकते हैं, और ब्लॉक करने के साथ साथ आप उस पर पूरा पोर्टल पर रजिस्टर कर देंगे तो उसको इंडियन गवर्नमेंट उसको ट्रैक करके आपको ईमेल पर मैसेज करेगी या आपको फोन करके बताएगी। अगर आपका कभी फोन मिल जाता है तो उस पर उस पोर्टल पर जाके अपने फोन को अनब्लॉक करके फिर उसको अपना चला सकते हैं। तो कौन सा पोर्टल है, कैसे उस पर क्या प्रोसेस है, उसका कैसे क्या करना है, इसमें टोटल इस वीडियो में बताते हैं। चलिए आपको हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कैसे आपको करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको खोलना पड़ेगा गूगल क्रोम, और उसके बाद गूगल क्रोम खुल जाएगा, उसके बाद आपको उसमें सर्च करना है ceir.gov.in। जब उसके बाद सर्च हो जाएगा तो अगर आप डेस्कटॉप में खोल रहे हैं तो ठीक है, और मोबाइल में खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको इसमें तीन ऑप्शन दिखाई देगा, एक ब्लॉक सॉल्यूशन वाला दिखाएगा, उसके बाद एक अनब्लॉक वाला दिखाएगा, और एक चेक रिक्वायरमेंट स्टेटस दिखाएगा। तो अगर आपको मोबाइल ब्लॉक करना है और उस पर आपको रजिस्टर करना है तो सबसे पहले आपको डेट वाले पे ब्लॉक सॉल्यूशन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा इसमें का जो होगा फॉर्म खुल के आ जाएगा। चलिए फॉर्म खुल रहा है, उसके बाद हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपको कैसे क्या क्या भरना है। तो अभी खुल रहा है तो अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी नेट स्लो चल रहा है। तो उसके बाद खुल जाएगा तो आपको सबसे ऊपर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे भरना है। तो आपको इधर हो जाएगा, आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। अगर आपका दो नंबर फर्स्ट वाले में नंबर भरेंगे जो उसमें मोबाइल में सिम मतलब नंबर था वो भरेंगे, और दो सिम वाला मोबाइल था तो दूसरे वाले में भर देंगे, और एक सिम का मोबाइल होगा तो बस फर्स्ट वाले पे भर के छोड़ देंगे। उसके बाद से मोबाइल का ईएमआई नंबर इसमें भरना पड़ेगा। ईएमआई नंबर भरने के बाद सेकेंड वाले में भी ईएमआई नंबर भरना पड़ेगा। उसके बाद से आपको फिर ईएमआई नंबर फर्स्ट वाले में भरना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड वाले में ईएमआई नंबर, उसके बाद से डिवाइस ब्रांड मोबाइल कंपनी का, जिस कंपनी का मोबाइल होगा उस कंपनी का नाम भरना पड़ेगा। इसमें सेलेक्ट करके क्लिक करके आ जाएगा सारी कंपनी का, जितने कंपनी के मोबाइल है सारी कंपनी के आ जाएंगे। उसके बाद से मॉडल नंबर इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद से दे रहा है इधर मोबाइल खरीद रसीद अपलोड करें, जो आपको रसीद मिला है मोबाइल खरीदते समय जो स्लिप मिला है उसको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद से आ रहा है कि किस जगह पे स्थान किस जगह पे आपका मोबाइल खोया था, और डेट तारीख पूछ रहा है मतलब किस तारीख को मोबाइल खोया था वो डालना पड़ेगा। उसके बाद से इसमें आपको स्टेट पूछ रहा है, जिस स्टेट में के हैं आप उस स्टेट के पूछ रहा है, जिस स्टेट में खोया है और जिस ज़िले में खोया है, और जिस थाने मतलब जो थाने के अंडर आता होगा आपका जो थाना होगा उस वो थाना इसमें फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद से पुलिस शिकायत संख्या, आपको इसमें जो पुलिस से शिकायत करके हैं FIR दर्ज किए होंगे उसका उसमें कंप्लेन नंबर दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको आ रहा है पुलिस शिकायत पत्र अपलोड करें, उसमें आपको जो रसीद मिला होगा उसको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद से आ रहा है ओनर मालिक का नाम, जिसके नाम से मोबाइल होगा उसका नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद से उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद से उसका जो इधर है आइडेंटिटी मतलब जो उसका पहचान पत्र होगा वो डालना पड़ेगा, या आधार कार्ड कुछ भी डाल सकते हैं, उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जो मतलब पहचान पत्र जो वहाँ पे एड्रेस जो देंगे आईडी प्रूफ, उसके बाद से आइडेंटिटी नंबर उसका आधार नंबर डालिए या निर्वाचन नंबर डालिए कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिए होंगे।
आपके उसके बाद से आपको इसमें ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद से आपको उसमें मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, वो मोबाइल नंबर डालेंगे इसमें जो आपका नंबर चालू हो और आप उस आपको अगर आपका कभी मोबाइल मिले तो आपसे संपर्क किया जा सके, आपको उस पर फ़ोन किया जा सके, इस ईमेल पर आपका मैसेज आएगा ही आएगा, ठीक। उसके बाद से उस पर गेट ओटीपी भी करके ओटीपी प्राप्त करके ओटीपी आएगा, ओटीपी वाला ऑप्शन खुलेगा तो उसके वजह से ओटीपी डाल देंगे, उसके वजह से इस पर क्लिक कर देंगे, डब्बे पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक। इतना करने के बाद आपका जो होगा इस पर आपका रजिस्टर हो जाएगा इस पोर्टल पे, ठीक। इस पोर्टल पर रजिस्टर होने के बाद आपको कभी अगर आपका को कभी मतलब जो कंपनी होगा और उसको मोबाइल मिल जाता है तो आप उसको अनब्लॉक करते हैं। अनब्लॉक कैसे करेंगे, अगर मिल गया तो इस पर आपको अनब्लॉक करने के लिए सर फिर इसको बैक करना पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं, ठीक है। फिर आप होम पेज पे आ जाएंगे, उसके बाद देखिए इधर दिखा रहा है अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद आपका खुल जाएगा, आपका जो उस पर जब रजिस्टर करेंगे तो आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिलेगा, तो आईडी इसमें डालना पड़ेगा, उसके फिर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो मोबाइल नंबर उसमें था, उसके बाद वो मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो आप ओटीपी भेजे हैं जिस नंबर पे, वो वाला मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद वो गेट ओटीपी पे क्लिक करके आपको ओटीपी आएगा, उस पर ओटीपी क्लिक करके इस पर सबमिट कर देंगे, ठीक। उसके बाद जब सबमिट हो जाएगा तो आपका मोबाइल अनब्लॉक हो सकता है। और आपका कभी मोबाइल बाई चांस नहीं मिलता है, उसका स्टेटस पता करना है कि आपका मोबाइल इसमें प्रेजेंट टाइम में है कहाँ, तो उसको पता करने के लिए भी इसमें एक ऑप्शन है। चलिए उसको फिर बैक आपको क्लिक करना पड़ेगा, चलिए आपको बैक क्लिक करके दिखाते हैं। उसके बाद बैक क्लिक करना, आप देख रहे हैं चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट आईडी डालेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपको दिखा देगा कि आपका अभी तक फ़ोन का प्रोसेसेस है कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। बस यही था, और इसमें रजिस्टर करने के बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, और उसके बाद से आपको जब फ़ोन मिल जाएगा तो आपको फ़ोन करेंगे और या ईमेल करेंगे, जो भी करेंगे जो नंबर में से डाले रहेंगे। और ऐसा नहीं आता है तो आपको बीच बीच में इसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बस वीडियो में यही था, चलिए चलते हैं आपको कुछ और बातें बताते हैं। तो दोस्तों ये सुविधा अभी बस दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए चालू किया गया है, बहुत ही जल्द यह पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाएगा, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए है उसके। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो आपको। तो इसके पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम टेक्निकल से रिलेटेड ऐसे कुछ और वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन और आप वीडियो देख लीजिए। चलिए वीडियो कहीं खत्म कर दें।